जेनरिक मेडिसिन सेंटर पूरी दवा इधर ये हर रेंज में आपको इधर जेनरिक मेडिसिन भी मिलेगी और एक्सप्रेस मेडिसिन भी ब्रांडेड भी मिलेगी, लेकिन उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हर 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 मेडिसिन पर डिस्काउंट है, ब्रांडेड पर भी है, ब्रांडेड पर भी 10% का डिस्काउंट। अब तो बहुत ही सामने कैमरे पर बोल दिया है भाई, सब लोग आ जाओ फटाफट यहाँ से खरीदो दवाई। ये ना पतंजलि आज हम हैं विजय वैती जी के पास, जो जनसेवा फाउंडेशन नायगांव में चलाते हैं पिछले कई वर्ष से। तो काफ़ी कम समय में उन्होंने काफ़ी समाज सेवा के काम किए हैं और ये संस्था प्रकाश आमटे जी से भी संबंधित है, तो हम उनसे जानते हैं। वैती साहब बताइए, क्या क्या आपके एजेंडा है, एजेंडे पर क्या क्या है आपका हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में? हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कहा जाए तो बहुत बड़ा काम करने का मिशन हमने रखा है। हेल्थ सेक्टर के बारे में बोलना चाहे तो अभी जेनरिक ये पूरे देश की वास्तवता जरूरत है, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक से आपका मतलब ऑर्गेनिक से है या आयुर्वेदिक से है? नहीं नहीं, अलग है। एलोपैथी जेनरिक मेडिसिन यानी कि एलोपैथी, एलोपैथी मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन यानी कि जो हर दवा में रासायनिक मूल घटक होते हैं okay. उनको जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है, उनकी ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो जो ऐसी दवाइयां हैं वो तो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया की फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बनाती हैं। अभी भारतवर्ष में पूरे भारत देश में जो जो बीमारी है तो 90% बीमारी के ऊपर जेनरिक मेडिसिन बनाया जाता है भारत देश में। अगर पूरे भारत देश का दुर्भाग्य है वो निर्मित होता है भारत देश में और निर्यात होता है परदेश में। अच्छा, जेनरिक दवा इतनी सस्ती होती है, गुणकारी भी होती है, मगर वो अपने को नहीं मिलती, मेरे भारत बांधवों को नहीं मिलती। अब मैं जानना चाहूँगा हमारी नॉलेज के लिए आप उनको बताएं कि भारत में बनने वाली जेनरिक कौन कौन सी फेमस दवाएं हैं और कौन कौन सी कंपनियां उनको बनाती हैं? बहुत बड़ी शीतला कंपनी है, मुफीस कंपनी है, नामचीन कंपनी है, जेनरिक मेडिसिन भी बनाती है, ब्रांडेड मेडिसिन भी बना रही है। ओके, मगर ब्रांडेड मेडिसिन की ओर को ही सामने रखा जाता है, पब्लिश किया जाता है, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग रहता है। तो जो आपका जनसेवा फाउंडेशन है, आपका जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पर, उसमें 70% तक डिस्काउंट आप देते हैं जैसा कि मैंने सुना है, तो ये कैसे संभव है? जनरिक दवा 70 सब संभव हो सकता है, इच्छा की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि हम जनसेवा मेडिकल जो है, तो जनसेवा मेडिकल आपके लिए रहेगा मगर हमारे लिए आरोग्य मंदिर है। अगर आने वाला हर दुखी पीड़ित जो व्यक्ति है उनके चेहरे पर जाते समय जो हास्य मिलता है, जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। सेवा उद्देश्य से काम करना चाहिए। तो जो बाकी 70% जो डिस्काउंट है, आपको कहीं से एज ए डोनेशन मिल जाता है या गवर्नमेंट से या लोगों से या आप अपनी जेब से भरते हैं? नहीं नहीं, डोनेशन या कंपनी आपको डिस्काउंट देती है? यानी कि जो जिधर से परचेसिंग यानी कि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से जो परचेसिंग किया जाता है उसमें सब मार्जिन हमारा कम रहता है। अच्छा, और लोग जो 100 रुपये कमा रहे हैं हम 10 रुपये ही कमा रहे हैं। ओके, तो 90 रुपये हम लोगों को दे रहे हैं, अपनी ही कमाई आप पब्लिक को बांट रहे हैं, यानी कि हम 100 रुपये नहीं कमा रहे, 10 रुपये ही कमा रहे। तो उसके लिए जिनको जो कस्टमर को आप देते हैं दवाई, तो उसका कुछ आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं? हाँ पूरा, यानी कि गवर्नमेंट को शो करते हैं। मतलब अगर कोई बहुत अमीर आदमी है जो 100% पैसा दे सकता है तो उसको भी डिस्काउंट दे रहे हैं क्या? यानी कि साइकिल पर आने वाला भी हमारे लिए वही ग्राहक है और BMW में आते उसको भी डिस्काउंट? उनको भी डिस्काउंट।
इधर BMW भी आके इधर मेडिसिन खरीदते हैं। इधर 40-50 किलोमीटर अंतर से आने वाले लोग, यानी कि पालघर से लेकर, बोईसर से लेकर, मुंबई से लोग इधर आ रहे हैं। और एक विशेषता बताई जनसेवा मेडिको की, नायगांव की, इधर नायगांव एक समुन्द्र के किनारे पे बैठा है, जनसेवा मेडिको समुन्द्र के किनारे पे बैठा है। मगर जनसेवा मेडिको से इस बसे से भूमि से मुंबई की भूमि से समुद्र के पार, यानी कि चार देश में अपना मेडिसिन सप्लाई हो रहा है। अच्छा, इधर से लेके जा रहे हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इधर से इकट्ठा सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इस दवा से आगे बढ़ते हैं। और आपके शिक्षा में क्या क्या चल रहा है? शिक्षा में यानी कि एजुकेशन के बारे में पूरे देश में कहा जाए तो बहुत से सारे बच्चे लोग पूरा वंचित है। तो गांधी जी ने कहा है कि सच्चा भारत ग्रामीण भाग में, वही सच्चे भारत के भारत को हम भूल गए। उधर ही यानी कि खेड़ा पाड़ा में जो दुर्लक्षित विभाग है, जो आदिवासी लोग बैठे उधर अपना शिक्षा का काम चल रहा है, उधर उधर पूरा शिक्षा का साधन निर्मित करना, उनको शिक्षा देना है, ओके, उनको पूरा साहित्य देना है, वो हिसाब से अपना काम चल रहा है। उधर अपने मध्यमंडल बच्चे लोग हैं, उनको अपने माँ बाप ने छोड़ा है, उनको संभालना है। कुष्ठ रोगी यानी कि महारोगी जो बाबाम्बे ने जो काम शुरू किया महारोगी के ऊपर, वही प्रेरणा लेके अपन ने थोड़ा सा उनको प्रयास किया, उसको स्पर्श किया, बाबा वो भाग्य हमको मिले सेवा करने का। तो बाबा आम्टे के प्रेरणा से हमने इधर महारोगी को दत्तक लिया, जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से काम किया। ओके, तो अभी हमको लेना पड़ेगा एक और ब्रेक। हम आप देख रहे हैं indiaaajtak.com, हर हकीकत आप तक, और हम हैं विजय वैती जी के पास जो जनसेवा फाउंडेशन चलाते हैं यहाँ पर नायगांव मुंबई में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखते रहिए इंडिया आज तक, हर हकीकत आप तक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।